हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत यूनिक भी होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी ये पूछते रहते हो, डिमांड आपकी रहती है कि भाई 10,000 के नीचे कोई मोबाइल बता दो या 10,000 तक का कोई स्मार्टफोन बता दो जिसमें हम इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि हमारा बजट बहुत टाइट है। और मैं समझ सकता हूँ कोविड में बहुत सारे पैसों की दिक्कत है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से रिसर्च करके इस फ्लिपकार्ट की द बिग दिवाली सेल में जो आप मोबाइल ले सकते हो 10,000 के आसपास, मैं बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो माई फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे Amazon पे जाके शॉपिंग करनी चाहिए या Flipkart के बिग दिवाली सेल में शॉपिंग करना चाहिए, तो भाई ये वीडियो है आपकी सभी डाउट क्लियर कर देगा। जाके देख लेना, आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे तो पक्का है, तो जाके जरूर देखिए। रही बात अगर आप मुझसे पूछें एक एक डील की, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। लेकिन पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है कि आपको SBI का जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसका जुगाड़ कर लेते हैं या अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो आपके लिए काफी कुछ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑफर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का ऑफर इंक्लूडेड है, तभी वो 10,000 के नीचे आ रहे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और सेकंड, इसका स्टार्टिंग वेरिएंट, किसी भी मोबाइल के स्टार्टिंग वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाई एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कितना भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल है, आईफोन स्टार्ट होता है, जैसे आईफोन 12 13 प्रो की बात करें या 12 प्रो की बात करें, स्टार्ट वो 1,09,000 से होते हैं, लेकिन आप 1,80,000 तक जा सकते हैं। तो उसी तरह पहला अगर बात करें रियलमी C21Y, देखिए बेसिक फोन है, 8,500 तक का आपको मिलेगा स्टार्टिंग वेरिएंट। अच्छा फोन है, जस्ट लॉन्च हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जिसका यूजेस कम है, अगर अपने पापा को उनके यूजेस कम है, अगर वो मीडिया कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो मत लीजिएगा, लेकिन खाली उठाने और बात करने के लिए लेने वाले हैं तो ले सकते हैं। अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो 7,649 में मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते रियलमी नार्जो 50A, जस्ट लॉन्च हुआ है, अच्छा मोबाइल है, देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है पैसे के हिसाब से। इसमें 1,500 का प्रीपेड ऑफर जुड़ा हुआ है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, फिर से बता देता हूं। अगर मान लीजिए ये मैं ले रहा हूं और ये वही मोबाइल है, तो अगर मैं किसी भी कार्ड से, जरूरी नहीं वो SBI का ही कार्ड हो, किसी भी कार्ड से फुल पेमेंट कर रहा हूं, अगर COD नहीं इन्वॉल्व है, पूरा पेमेंट मैं पहले से कर रहा हूं, उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो अगर आप प्रीपेड करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो आपको 1,500 रुपया एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, मतलब तभी 10,000 का मिलेगा, नहीं तो फिर आपको ये मिलेगा 11,500 का, याद रखिएगा। और अगर बैंक ऑफर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा 1,000 और ऑफ मिलेगा, मतलब ये 9,000 में हो जाएगा। 9,000 में 40 मेगापिक्सल का कैमरा और 6,000 mAh की बैटरी, मैं क्या बताऊं, कुल मिला के फाड़ू डील है, चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं सैमसंग का F12, इसमें देखिए 6,000 mAh की बैटरी है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसका प्राइस है 9,500। अगर कार्ड ऑफर लगाते हैं अगेन तो आपको 8,549 का पड़ जाएगा, जो कि एक एवरेज डील है। हाँ, आपको पता है सैमसंग के मोबाइल रिलायबल होते हैं कंपेयर टू रेडमी रियलमी, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है और मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने अपना बता दिया, अगर खाली मीडिया कंजम्पशन करना है, यूट्यूब देखना है, दुनिया भर का करना है, तो आप ले सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ, जस्ट कुछ घंटे हुआ, मोटो E40 मैंने चेक किया, काफी अच्छा मोबाइल है, 9,500 का, 19Hz का इसका डिस्प्ले है, अभी क्या चाहिए, मुझे लगता है 64GB और 4GB का जो वेरिएंट है अच्छा, आप ले सकते हैं 9,500, और अगर बैंक ऑफर लगता है इसके अंदर तो ये 8,600 के आसपास आ जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं Redmi 9 Power की बात करें, तो ये मोबाइल तो पुराना है लेकिन इसका प्राइस 11,000 के आसपास है, लेकिन अगर बैंक ऑफर लगाते हैं तो 10,000 के नीचे आ जाएगा, मतलब 9,899। अच्छा, आप बोलोगे यार बैंक ऑफर कर रहे हो,
पूरा बैंक ऑफर तो थोड़ा बता दूं। देखो अगर डिटेल में पता करने को कि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, तो ये वीडियो जो दिख रहा है इसमें खाली मैंने एकदम जम के आपको पूरा समझाया है, तो आपको बैंक ऑफर क्लियर हो जाएगा। तो जाके ये देख लो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक भी रख दूंगा, तो जाके देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप बार बार, ये भी सोच सकती है यार बार बार ये वीडियो ही देखने को बोल रहा है। देखिए भाई, आपको अगर पैसे बचाने हैं तो पूरा डिटेल देखिए। आधी जो नॉलेज होती है ना, वो बोला जाता है कि बहुत खतरनाक होती है, तो मैं आपको आधा नॉलेज नहीं देना चाहता। वो जाके देखिए तो समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें पूरा कंप्लीट नॉलेज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेडमी 9 प्राइम, ये भी अच्छा मोबाइल है। इसका प्राइस 10,000 के नीचे है, ₹1, और बैंक ऑफर के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब 1,000 और ऑफ हो जाएगा, मतलब ये 8,999, मतलब अंडर 9 के आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूली लॉन्च हुए Realme C25Y की 64GB वाला जो वेरिएंट है, वो आपको 9,500 में तभी मिलेगा जब आप प्रीपेड करते हो या कोई मोबाइल एक्सचेंज में डालते हो। मैंने बोल दिया COD नहीं इन्वॉल्व होता, अगर COD करोगे तो ये मोबाइल आपको 11,000 का मिलेगा, और अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड लगाते हो, ऐसा इन्होंने लिखा है बैंक प्राइस, तो आपको 8,549 का मिलेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। अगर ये इतने में मिलता है तो ये एक अच्छी डील मैं मानता हूं। नेक्स्ट बढ़ते नार्जो, रियलमी नार्जो 50i, ये 6,500 का आपको पड़ेगा। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफर, तो इस पे तो उतना मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज करो ना करो आप जाके इसको देख लो, अगर ये आपको इतने रुपए में मिल जाता है तो आप कंसीडर करना, ज्यादा से ज्यादा 7,000, उससे ऊपर जाता है तो लेने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें एक्सचेंज ऑफर लिखा है तो फिर मुझे थोड़ा डाउट होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अरे भाई, ये आईफोन SE का प्राइस ये 6,000 देते, तो कितना इनका गंदा एक्सचेंज वैल्यू होता है, कूड़े का भाव एक तरह से होता है, तो उस पर पैसा ज्यादा देना मैं अच्छा नहीं मानता। नेक्स्ट बढ़ते पोको C31, ये भी मोबाइल अच्छा है, न्यूली लॉन्च है, 8,500 का, बैंक ऑफर लगाएंगे तो 7,649 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की बात करें, इन्फिनिक्स हॉट 11S ठीक ठाक मोबाइल है, ये आपको 11,000 का है, लेकिन बैंक ऑफर के बाद अगेन 10,000 के नीचे आ जाता है, मतलब 9,899। अगर बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11, तो ये 9,500 का है, और बैंक ऑफर के बाद 8,599 का 49 का आ जाता है। तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स पर उतना भरोसा मेरा नहीं है जितना कि दूसरे ब्रांड पे है, लेकिन आपको अगर पसंद है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं रियलमी C20, ये मतलब प्रेफर नहीं करूंगा, अनटिल अनलेस खाली फोन आपको उठाने और बात करने के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, 6,999 का पड़ेगा, और बैंक ऑफर के बाद आपको 6,300 का पड़ेगा, इसमें अंदर 500 का प्रीपेड और एक्सचेंज है, नहीं तो आपको 7,500 का पड़ेगा अगर आप प्रीपेड नहीं करते हैं, COD मंगाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं रियलमी C21, ये आपको 9,000 का पड़ेगा, हाँ ये आप ले सकते हैं, इसमें थोड़ा कैमरा ठीक ठाक है, तो इसमें 1,000 का आपको एक्सचेंज और प्रीपेड मिल रहा है, नहीं तो आपको ये 10,000 का मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। तो मेरा ये कहना है, आपके लिए हमेशा हम वीडियो लाते रहते हैं, और भी मैं लाऊंगा, अंडर 15 के लाऊंगा, मतलब 10,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे, फिर मैं 15,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे लाऊंगा, सब कुछ कर रहा हूँ, पूरी रात में जगाऊं आपके लिए, कि आपको सेल जो सबके लिए जब स्टार्ट होगी उससे पहले आपको पूरा हर एक टॉपिक पे वीडियो मिले। तो आप हमारे अगर चैनल पे जाएंगे तो सेल से रिलेटेड छोटी से बड़ी सभी टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, तो जाके देखिए, हमें सपोर्ट करिए और हमारे प्रोटेक फैमिली को ज्वाइन करिए, जिससे हम और मतलब पावरफुल बने, हम अपनी ऑनेस्टी और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सके। हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, और अगर ये दोनों नहीं करते कोई बात नहीं, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आई विश यू गुड लक फॉर योर शॉपिंग। थैंक यू सो मच।